अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल हैं, सब ठीक ठाक हैं? आज की ये वीडियो स्पेशली एप्पल यूज़र्स के लिए है, और एप्पल यूज़र्स की एक कॉमन प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पासवर्ड भूल जाना, एप्पल आईडी का, अपने फ़ोन का, स्क्रीन टाइम पासकोड का। जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम बन जाती है कि अपने फ़ोन को रीसेट कैसे करें, एप्पल आईडी को लॉग आउट कैसे करें। अपने फ़ोन को रीसेट कर बैठे हैं, अब आपके सामने एप्पल आईडी आके खड़ी हो जाती है, आपका फ़ोन आगे नहीं जाता। तो हाउ टू साइन आउट एप्पल आईडी विदाउट पासवर्ड, और आईफोन से जुड़े किसी भी तरह के पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं, अपने फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में गाइड करने जा रहा हूँ जो आपकी एप्पल की तमाम तरह की सिक्योरिटी को इजीली अनलॉक कर देगा। नो डाउट ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। आई मूवी एनी अनलॉक, इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने आईफोन पे, अपने आईपॉड पे, अपने आईपैड पे लगे हुए मुख्तलिफ तरह के पासवर्ड्स को स्किंटों में अनलॉक कर सकते हैं। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप के जरिए आप इस सॉफ्टवेयर में ये काम इजीली कर सकते हैं, और इसमें देखें कि आप कैसे कैसे पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह का पासवर्ड लग गया है, अनलॉक स्क्रीन पासकोड, बाईपास एमडी अनलॉक, बाईपास आईक्लाउड एक्टिवेशन लॉक, एप्पल आईडी अनलॉक, रिमूव आईट्यून्स बैकअप एनक्रिप्शन, अनलॉक स्क्रीन टाइम पासकोड, आईओएस पासवर्ड मैनेजर, आईट्यून बैकअप पासवर्ड रिकवरी, रिमूव सिम लॉक, टर्न ऑफ फाइंड माई फोन, फाइंड एप्पल आईडी, आई डिवाइस वेरिफिकेशन। इस सॉफ्टवेयर में इन तमाम तरह की सिक्योरिटी का सोल्यूशन मौजूद है, आप इसको यूज करके इनको स्किंटों में अनलॉक कर सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड सिनेरियो है वो ये कि आपने अपने फोन पे पासवर्ड लगाया, आपने बार बार ट्राई की है, आपका फोन डिसेबल हो चुका है, या फिर आपने मार्केट से सेकंड हैंड फोन परचेज किया, उसको रीसेट किया, वो एप्पल आईडी पे आगे स्टक हो गया, या फिर आपके फोन की स्क्रीन टूट चुकी है, आप उसको अनलॉक करके अपने डेटा को महफूज करना चाहते हैं, या फिर आपकी फेस आईडी और टच आईडी ने फिजिकली काम करना छोड़ दिया है। इस तरह की सूरतों में आप अपने फोन को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, अपना डाटा कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप घर में रहते हुए अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं जैसे चाहें, अपने फोन को मार्केट में ले जाके अपनी प्राइवेसी को, अपने डेटा को अनसिक्योर करने के बजाय आप ये काम खुद घर बैठ के कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, और आपका सॉफ्टवेयर चंद ही लम्हों में इंस्टॉल होकर आपके सामने आ जाएगा। ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। तो लीजिए, हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर रेडी होकर हमारे सामने आ चुका है, एनी अनलॉक आईफोन पासवर्ड अनलॉकर। जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया कि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपने एप्पल के, अपने आईफोन के, अपने आईपॉड के, अपने आईपैड के तरह तरह के पासवर्ड्स को इजीली अनलॉक कर सकते हैं, उन सिक्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं अनलॉक एप्पल आईडी की तरफ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एप्पल यूजर्स की। इस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास एक आईफोन मौजूद है, इस पर लगी हुई है एप्पल आईडी, इसको रिमूव करके देखते हैं। सेटिंग में चलते हैं, और ये देखिए आपके सामने एप्पल आईडी लगी हुई है। अगर आपके फ़ोन में एप्पल आईडी लगी हुई है, आप इसका पासवर्ड भूल चुके हैं और इसका फाइंड माई फ़ोन ऑफ है, तो आपका डाटा भी लॉस नहीं होगा, आपको मुकम्मल डाटा वापस मिलेगा अनलॉकिंग के बाद। जैसे इसमें डाटा मौजूद है और इसका फाइंड माई फ़ोन ऑफ है, मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के जरिए ये एप्पल आईडी रिमूव करके दिखाता हूँ, और आपको बाद में डाटा भी दिखाता हूँ कि हमारा जो डाटा है वो हमारा वापस आएगा, वो लॉस नहीं होगा। तो आपने अपने आईफोन को अपने लैपटॉप पीसी मैकबुक में प्लग कर लेना है, उसके बाद आपने क्लिक करना है स्टार्ट नाउ पे। यहाँ पे ये आपको खुद ही बता देता है कि अगर आपके फ़ोन में फाइंड माई फ़ोन टर्न ऑफ है तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा, अगर फाइंड माई फ़ोन ऑन है तो फिर आपका डाटा नहीं बचेगा, लेकिन आपकी एप्पल आईडी रिमूव हो जाएगी। आपने क्लिक करना है अनलॉक पे, रिमूविंग एप्पल आईडी, प्लीज वेट, और ये देखें रिस्टोर इन प्रोग्रेस, वेटिंग फॉर द डिवाइस टू रिस्टार्ट। ये हमारी डिवाइस ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो चुकी है, ये जी हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। इसको चेक करते हैं, अपने पहले वाला पासवर्ड देना है, अगर पासवर्ड भी भूल जाए तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। अभी मैंने जो काम किया है, मैंने एप्पल आईडी को रिमूव किया है, हमने पासवर्ड दे दिया है, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सेटअप फेस आईडी लेटर, और यहाँ पे ये बता रहा है कि एप्पल आईडी रिमूव सक्सेसफुली। यहाँ पे हमारे पास एप्पल आईडी की ऑप्शन आ चुकी है, और हम यहाँ पे अपनी एप्पल आईडी नहीं लगाएंगे, इसको स्किप करेंगे, सेटअप लेटर इन सेटिंग, डोंट यूज, कंटिन्यू 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 और वेलकम। अब जाके देखते हैं सेटिंग में, ये देखें आपकी एप्पल आईडी टोटली रिमूव हो चुकी है जस्ट 3 क्लिक के साथ। और अगर हम अपने डाटा को जाके चेक करें फोटोज़ में, ये देखें हमारा डाटा भी हमारे पास एज इट इज़ महफूज है। तो इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त,
इतना इजी सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा जिसमें आप अपनी एप्पल आईडी को रिमूव भी कर लें, आपका डाटा भी लॉस नहीं हो और आप अपने आईफोन पर तरह तरह के लगे हुए पासवर्ड को घर बैठे बड़ी आसानी के साथ अनलॉक कर सकें। यह सॉफ्टवेयर न सिर्फ घर में बैठे हुए एप्पल यूजर के लिए है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी मार्केट्स में मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप्स हैं। यह सॉफ्टवेयर उनके बहुत काम आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें आप आईफोन के मुख्तलिफ तरह के पासवर्ड्स को इजीली अनलॉक कर सकते हैं और यह सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप आईफोन की तरह तरह की अनलॉकिंग के लिए बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं लेकिन एनी अनलॉक आपको फुल टूल किट दे रहा है ओनली ऑन $60 में। देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल सोल्यूशन परचेज करना चाहें तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो मेरा मशवरा आपको यही रहेगा कि आप इसकी फुल टूल किट को परचेज करें। तो आज इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें, इसको ट्राई करके देखें। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।